हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं बनाने जा रही हूँ ओरियो बिस्किट से केक बनाने जा रही हूँ मैं। तो हम सामग्रियाँ आपको बता रहे हैं, ये है इनो, हमने एक पैकेट लिया है, हमने दो पैकेट लिया है ओरियो बिस्किट्स, ये चॉकलेट बिस्किट्स हैं, और ये हमने ली है थोड़ी सी पिसी हुई चीनी, करीबन 3 चम्मच है ये, और ये है दूध। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ओरियो बिस्किट्स को हम तोड़ लेंगे और इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। ओरियो बिस्किट को हमने पीस लिया है, इसमें मैं चीनी मिला रही हूँ 2 चम्मच, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर अब इसे मिक्स से मिक्स कर लेंगे। दूध हमें थोड़ा थोड़ा डालना है, एकदम से हम दूध नहीं डालेंगे। हमने ओरियो बिस्किट का गाढ़ा घोल तैयार कर लिया है, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए, ये नीचे थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, इस तरह से होना चाहिए। और अब हम इसमें इनो डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने ये पेस्ट तैयार कर लिया है, और हमने एक बर्तन में घी लगा लिया है, और ऊपर से मैंने आटा इसमें डस्ट कर दिया है। अब मैं इस पेस्ट को इस बर्तन में डाल दूंगी। इसे टैप कर लेंगे जिससे ये बराबर हो जाए। कढ़ाई में हमने स्टैंड रख दिया था और हमने गैस ऑन करके रखी थी, तो बर्तन गर्म हो गया है। अब हम इसे ढक देंगे और ये केक बनाने के लिए हम करीबन 20 मिनट तक इसे पकाएंगे। उसे मीडियम आंच पे पकाना है। केक तैयार हो गया है, हमने इसे 20 मिनट पकाया है, और इसे हम चेक भी कर लेंगे। ये अभी बहुत गर्म है, ये देखिए केक हमारा पककर रेडी हो गया। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। केक को हम प्लेट पर निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल गया है, और कितना अच्छा बना है, एकदम जालीदार केक बना है हमारा। ओरियो बिस्किट केक तैयार है, हमने इसे 20 मिनट तक पकाया है मीडियम आंच में। अगर आप लो आंच में पकाएंगे तो थोड़ा टाइम और लेगा ये, और आप इसे 20 मिनट बाद चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि ठीक से नहीं पका है तो आप 5 मिनट और इसे पका सकते हैं। 25 मिनट में ये बिल्कुल बनकर रेडी हो जाता है। ये आँच के ऊपर डिपेंड करता है कि टाइम कम या ज़्यादा लगेगा। और हमने इस पे चॉकलेट को थोड़ा सा मेल्ट करके और इसे हमने ऊपर से लगा दिया है, और चेरी और ड्राई फ्रूट से इसे हमने सजा दिया है। आप भी इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए, और बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप बर्थडे पर भी इसे बना सकते हैं, लॉकडाउन है तो बाहर केक मिल नहीं रहे, तो आप अपने बच्चों के बर्थडे पर भी इसे बना सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।